सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन साल के 12 महीनों में से 6 महीने डिवाइड करते थे। किस मामलात से? रमज़ान जैसी मुकद्दस इबादत के लिए 6 महीने 6 महीने, आइंदा 6 महीने जिसके बाद रमज़ान आने वाला है। पिछले 6 महीनों से अल्लाह ताला से ये दुआएं करते, आइंदा आने वाले रमज़ान हमारी ज़िंदगी में नसीब करके वो इबादतें करने की हमें तौफीक अता कर, ये दुआएं करते। जैसे ही रमज़ान गुज़रता, रमज़ान गुज़रने के बाद के लगातार 6 महीने अल्लाह ताला से ये दुआएं करते, इलाही जो रमज़ान में हमने टूटी फूटी इबादतें की, रोज़े रखे, तरावी पढ़ा, सदका व खैरात किया, ज़कात अदा किया, फितरे दिए, बैठने वाले एहतिकाफ़ बैठे, जाने वाले उम्रे को गए, अय अल्लाह जो कुछ भी हमने अपनी इस्तेआत के मुताबिक इबादतें की हैं उन इबादतों को तो कबूल कर ले। रमज़ान गुजरने के बाद 6 महीने तक अल्लाह ताला से ये दुआएं करते रहे। आज हमारा हाल ये है, ना रमज़ान आने से पहले रमज़ान के लिए हम दुआएं करते हैं, ना रमज़ान गुजरने के बाद रमज़ान की इबादतें कबूल होने की दुआएं करते हैं। आप दुआएं करो ना करो, आपकी वो रमज़ान की इबादतें कबूल हुई या नहीं हुई, उसे परखने का एक फार्मूला है हदीस रसूल के मुताबिक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी रमज़ान की इबादतें कबूल किया उसकी एक अलामत है, तुमने जो नमाज़ें पढ़ी, तुमने जो तरावी पढ़ी, तुमने जो कुरान की तिलावत की, तुमने जो तहलील व तस्बीह व तकबीर अल्लाह की बड़ाई बयान किए, तुमने जो ज़कात अदा किए, फितरे अदा किए, एहतिकाफ़ बैठे उम्रे किए, जो कुछ भी रमज़ान में तुमने किया, अल्लाह ताला उन इबादतों को कबूल किया है, उसे पहचानने की अलामत यह है रमज़ान के बाद भी अल्लाह ईमान पर साबित कदमी की अल्लाह तुमको तौफीक देगा। रमज़ान के बाद भी इबादत इलाहिया बजा लाने की तुम्हारी ज़िंदगियों में अल्लाह उसका असर बाकी रखेगा। रमज़ान के बाद भी कुरान की तिलावत करते रहने की अल्लाह तुम्हें तौफीक देगा। रमज़ान के बाद भी सिर्फ रमज़ान में ज़कात निकाले तो नहीं, ज़कात के अलावा नफिल सदक़ात और खैरात देते रहने की अल्लाह तुम्हें तौफीक देगा। रमज़ान के बाद भी तुम्हारी ज़िंदगियों में इबादत इलाहिया बरकरार है तो समझ लो अल्लाह तुम्हारी रमज़ान की इबादतें कबूल कर लिया। रमज़ान गुजरते ही तुम लोग बेनमाजी हो गए और अल्लाह के राह में एक भी रुपया नहीं देने वाले कंजूसा हो गए, कुरान कभी ना छूने वाले, सिर्फ रमज़ान में हाथ लगाकर मेहराब में छपा कर रखने वाले बन गए, समझ लो अल्लाह ताला ना तुम्हारी रमज़ान की इबादतें कबूल किया और ना तो अल्लाह तबर व ताला तुम्हारे रमज़ान की इबादतों से राज़ी हुआ।